ओशो कहते हैं जो व्यक्ति जितना कामुक होगा वह उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वह शख्स उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। कम सेक्सुअल एनर्जी का मतलब कम बुद्धि, कम इंटेलिजेंस। शारीरिक संबंध एक गहरी खोज है जो छुपा हुआ है, उसे खोजने की केवल शरीर ही नहीं, केवल विपरीत लिंग के शरीर का नहीं, बल्कि हर कुछ जो छिपा हुआ है। ओशो कहते हैं जिस दिन इस देश में इसकी सहज स्वीकृति हो जाएगी, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी कि भारत में हम कई आइंस्टीन पैदा कर सकते हैं। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। जिस दिन दुनिया में सेक्स स्वीकृति होगा, जैसे कि भोजन स्नान स्वीकृति है, उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील किताबें नहीं छपेंगी। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। धन में शक्ति है, इसलिए धन का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। धन से सेक्स खरीदा जा सकता है, सदियों से ये होता चला आ रहा है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है, हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीज़ों के लिए क्यों सीमित करना, सब संपूर्ण उपलब्ध है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। जितनी ज़्यादा गलतियाँ हो सकें उतनी ज़्यादा गलतियाँ करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होंगे। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, खुद को स्वीकारिए। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उल्टा सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्ध प्रेम है, ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना ही कहीं जाना है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवन रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो खुद को ही नहीं जानते। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर, जरूर बता के जाना, ताकि अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो और प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें, और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।